गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये जो धुआं, काला काला धुआं आप देख रहे हैं, ये विरार स्टेशन जब आप उतर जाएंगे और वहां उतरने के बाद आप ईस्ट में, बिल्कुल ये एरिया हाईवे से लगा हुआ है और वहां से आप शेयरिंग पकड़ेंगे जिसकी कीमत शेयरिंग रिक्शे की 20 रुपये है। विरार फाटा, इस जगह का नाम विरार फाटा है। विरार फाटा उतरने के बाद आप हाईवे पे ही आधा किलोमीटर चलेंगे वसई नाला सुपारा फाटा की तरफ, तो वहाँ आने के बाद में आपको एक नावेल्टी होटल मिलेगा और उस नावेल्टी होटल से ही अंदर की तरफ रास्ता जाता है जहाँ इंडस्ट्रीज भी हैं, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं, और गांव भी हैं और भी काफ़ी सारे रहवासी यहाँ इलाके हैं जहाँ आदमी रहते हैं, जबकि इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल को इतना करीब नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ वसई विरार महानगर पालिका के दायरे में ही आता है ये एरिया। यहाँ गांव वाले भी रहते हैं, कुछ प्लॉटिंग्स भी की गई है मेरे, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है दूर तक। और ये जो प्लांट दिख रहा है, ये जंगल दिख रहे हैं, इसमें अंदर बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। तो वापस मैं आपको इस खतरनाक धुएं की तरफ ले चलता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, विरार फाटा उतरने के बाद में ये एरिया विरार ईस्ट का है और विरार फाटा आप उतरेंगे जिसके स्टेशन से दूरी है 10 से 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी हो सकती है, एक अनुमानित दूरी है 12 किलोमीटर। तो विरार स्टेशन उतर के आप विरार ईस्ट में जब आप आएंगे, वहां से आपको शेयरिंग रिक्शा मिलता है विरार फाटा आने के लिए। अगर आप चाहें तो यहां आकर के जो है देख सकते हैं, जो लोग मुंबई के लोकल हैं, वसई विरार नाला सुपारा के लोकल लोग हैं, खासकर मेरा उन लोगों से ये कहना है कि आप यहां आके इस एरिया का जो है जायज़ा ले सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये काम, हमारा, हम सबका ये फर्ज बनता है कि अगर पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरीके का कुछ भी खतरा हो या गलत हो, जिसको हम जितना संभव है रोक सकते हैं तो ज़रूर हमें रोकना चाहिए। तो एक बार मैं वापस एड्रेस पे फोकस करूँगा, मैं बार बार एड्रेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज आप तक पहुँचे और आप यहाँ आ करके जो है इस एरिए का जायज़ा कर सकें। तो फ्रेंड्स, विरार स्टेशन उतर करके आप वहाँ से विरार फाटा के लिए शेयरिंग लेंगे और विरार फाटा उतर जाएंगे। विरार फाटा उतरने के बाद आप वसई विरार की तरफ, नाला सुपारा फाटा के लिए आप आधा किलोमीटर से भी कम पैदल चलेंगे, आपको एक नावेल्टी होटल आएगा। नावेल्टी होटल से ही अंदर की तरफ रास्ता जाता है और वहाँ भी आप हाफ किलोमीटर से आपको कम ही पैदल चलना पड़ेगा, वॉकेबल डिस्टेंस है, 300 मीटर दूरी होगी। तो यहाँ एक ऐसा एरिया है जो कि इंडस्ट्रीज भी है, रेजिडेंशियल भी है, आप देख रहे हैं ये सड़क है और रास्ते से होकर के जो है लोग जा रहे हैं। ये लोग गांव में रहने वाले भी हो सकते हैं और इस छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं इनमें काम करने वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ कचरा को ऐसे ही असुरक्षित तरीके से फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है और जलाने पर इसमें से काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी लग्जरी हो, लेकिन आप अपने लिए कोई पर्यावरण नहीं बना सकते हो। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी भाई बहन, दोस्त, बड़े बुजुर्गों, पढ़े लिखे अनपढ़ सारे लोगों से मेरा ये कहना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का अगर आपको कहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो ये गलत है, इस पर रोक लगाएं। और मेरे इस वीडियो का आप देख रहे हैं, ये धुआं जो है किस तरीके से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल काला काला आपको नज़र आ रहा है। ये सरकार तक बात बताएं, बल्कि वसई विरार महानगर पालिका है जो, उनको भी इससे अवगत कराएं कि
इस पर रोक लगाई जाए, इस पर वैन लगाना चाहे या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, आप पैसा कितना भी कमा लोगे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अगर इसी तरीके से ख़राब होते रहा तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या जहर छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद ही ऐसा नहीं है कि आपको जो है इस वीडियो को छोड़ देना है। फेसबुक, व्हाट्सएप आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब है, उस पर आप जो है अपलोड करिए और मेरी बात को डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुँचाइए।